1 जनवरी 2004 उसके पश्चात नियुक्त हुए समस्त कार्मिकों के लिए भी आगामी 1 अप्रैल 2022 से पूर्व पेंशन योजना ओपी लागू करने की घोषणा की थी, जिसका कार्मिकों के साथ ही आमजन द्वारा राष्ट्रव्यापी स्वागत किया गया है। मैं माननीय सदन का ध्यान 1 जनवरी 2004 एवं इसके पश्चात नियुक्त कार्मिकों की नेशनल पेंशन स्कीम संबंधी समस्याओं इनके समाधान हेतु ओपीएल लागू करने के औचित्य मुख्य रूप से माननीय नेता प्रतिपक्ष आपके लिए है, क्योंकि आपने उस वक्त में शंकाएं प्रकट की थी कि इनका पैसा क्या होगा, इनको पैसा कटौती होगी नहीं होगी, वापस मिलेगी जमा हो गया उसका क्या होगा, बहुत शंकाएं प्रकट की थी। आज मैं चाहता हूं कि मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं नेता प्रतिपक्ष की भावना का सम्मान करते हुए और मैं इस सदन को सदन के माध्यम से सभी प्रदेशवासियों को बताऊं कि वास्तव में इसका औचित्य क्या है। जैसा कि विदित है, पुरानी पेंशन प्रणाली को दिसंबर 2003 में एनडीए की केंद्र सरकार द्वारा समाप्त कर 1 जनवरी 2004 से एनपीएस लागू की गई थी। इस प्रकार लागू की गई नई पेंशन प्रणाली से कर्मचारी वर्ग एवं उनके परिवार में भविष्य को लेकर इनसिक्योरिटी का भाव पैदा हो गया। वर्तमान में एनपीएस के अंतर्गत 5,22,962 कार्मिक कार्यरत थे। अभी तक 2,146 कार्मिक एनपीएस से एग्जिस्ट हो चुके हैं, जिन्हें केवल नाम मात्र की पेंशन राशि मिल रही है। एनपीएस के बारे में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा भी केंद्र सरकार से इसके प्रावधानों पर पुनर्विचार करने हेतु आग्रह किया गया था। एनपीएस के बारे में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा भी केंद्र सरकार से इसके प्रावधानों पर पुनर्विचार करने की एक बात तो ये कि उम्मीदवार कमीशन खुद ही कह रहा है कि आप इसको वापस देखो। साथ ही सीएजी की रिपोर्ट संख्या 13/20 में भी नई पेंशन प्रणाली की प्रभावशीलता तथा इसके अंतर्गत कर्मचारियों को सामाजिक आर्थिक सुरक्षा की दृष्टि की गारंटी को लेकर सवाल उठाए गए थे। इस मुख्य बिंदु निम्न है जो सीएनएजी ने कहा है और जिसके लिए हमारे राजस्थान के ब्यूरोक्रेट रहे हुए जो सीएजी बन गए थे दिल्ली के अंदर, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था इसके खिलाफ में। आपको जानकर आश्चर्य होगा, सुखद आश्चर्य होगा कि आर्टिकल लिखने वाला जो व्यक्तित्व है वो खुद ही जो मैं पढ़ रहा हूँ आगे इनकी रिकमेंडेशन की एज ए सी ए जी रिटायर होने के पहले, और वो आर्टिकल लिख रहे हैं कि ये ऐसी लागू नहीं होनी चाहिए। मेरी समझ के परे हैं, पता नहीं वो किनके दबाव में उन्होंने ये आर्टिकल लिखा है, मेरी समझ के परे। हो सकता है कि दिल्ली से जवाब पड़ा हो केंद्र सरकार का कि आप आर्टिकल लिखो जिससे कि मामले को बैलेंस हो, मजबूरी है करनी पड़ेगी आज नहीं तो कल, मोदी जी को भी सब राज्यों को भी रोक नहीं सकते। दो तीन बातें बता के मैं बात खत्म करूँगा, क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट मामला है कि इसमें मानव अधिकार आयोग कह रहा नंबर एक, सीएजी क्या कह रहा आप सुनिए। नई पेंशन लागू होने के 15 वर्षों बाद भी इसके तहत आने वाले कर्मचारियों के लिए सेवा शर्तों तथा सेवानिवृत्ति लाभों के संबंध में नियमों को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है, बताइए आप। नंबर एक वही सीएजी कह रहा, दूसरा पॉइंट कह रहा है इस बात का कोई संकेत नहीं है कि इस योजना का प्रत्येक 2 वर्षों में कोई बीमांकित मूल्यांकन किया गया है तथा न ही फंड की व्यवहारिकता वायबिलिटी के आंकलन हेतु कोई पद्धति अथवा तंत्र अपनाया गया है। इस योजना के लागू होने के 15 वर्षों के बावजूद भी ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया गया है कि पात्र कर्मचारियों को इस योजना के तहत 100% कवर किया जाएगा। नंबर 5 में भी है, जल थल वायुसेना के कार्मिकों के लिए नई पेंशन प्रणाली लागू नहीं की गई, क्यों? और जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है उनको जो है
जल थल वायु सेना वालों को तो पुरानी पेंशन, और BSF, CISF, CRPF, ITBP, SSB इत्यादि कार्मिक वो भी यही काम करते हैं, उन्हें भी NPS के तहत कवर किया गया, उनको ओल्ड एज पेंशन लागू नहीं रखी उनके। केंद्र राज्य सरकार के कर्मचारी भी पूर्ण प्रतिभा से कार्य करते हैं, निरंतर करते हैं अपने कर्तव्यों का। ऐसी स्थिति में दो अलग अलग प्रकार की पेंशन प्रणाली रखना न केवल भेदभावपूर्ण है बल्कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के विरुद्ध भी है। ध्यान देने लायक बिंदु यह भी है कि द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग सेकेंड नेशनल जुडिशियल कमीशन ने भी 6 फरवरी 2020 को दी गई अपनी रिपोर्ट में इसे अनुपयुक्त मानते हुए न्यायिक कर्मचारियों के लिए तमाम जजेस के लिए सबके लिए ओल्ड पेंशन लागू करने की सिफारिश की है। कम्युनिटी कमीशन, जुडिशियल कमीशन और CAG जो कार्मिक अपने जीवन के 35 वर्ष सरकारी जन सेवा को समर्पित करता है उसके लिए सरकार का दायित्व है कि उसे रिटायरमेंट होने पर उसे आर्थिक सुरक्षा की गारंटी मिले। यहाँ यह भी स्पष्ट है कि ऐसा प्रावधान करने पर ही कार्मिक अपने सेवा काल में अगर उसको सिक्योरिटी मिलेगी तो ही कार्मिक अपने सेवा काल में पूर्ण मनोयोग से सुशासन के लिए कटिबद्ध होकर कार्य कर सकेगा। तथा एक महत्वपूर्ण बिंदु यह भी है कि OPS का प्रावधान होने पर सरकारी सेवाओं में प्रतिभाशाली युवाओं का रुझान बढ़ने से सेवाओं की गुणवत्ता बनी रह सकेगी। पुरानी पेंशन प्रणाली के बारे में यह कहा जाता है कि इससे सरकारों पर वित्तीय भार बढ़ेगा, जैसा कि हमारे नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि आपने तो कर दिया, रोएंगे उस वक्त में 2038 में रोएंगे, जनता से टैक्स वसूल होगा, इसका मतलब आप ओल्ड एज पेंशन के खिलाफ हो, आप लोग सब बैठे हो खिलाफ हैं, आप लोग खुल के कहो खिलाफ है, हम लोग खुल के नहीं बोलते, आप लोग खुल के बोल नहीं रहे हो। टैक्स का पैसा जाएगा उस वक्त में किसको जाएगा, ये तो मैनेजमेंट है, बिना केंद्र सरकार के बिना राज्यों के फिस्कल रेवेन्यू संबंधित पैरामीटर जो है उसके अलावा कोई कर ले ही नहीं सकता है, तो कैसे जाएगा कैसे आएगा। नंबर एक, नंबर दो, 70 साल तक वो रही है, 50 साल तक वो रही होगी, पहले दूसरी स्कीम थी उस पर कोई पूछेगा, देश यहाँ तक पहुँचा है उसमें कर्मचारियों के भूमिका भी रही होगी, वही अधिकारी वही कर्मचारी उन्होंने गवर्नेंस करी है देश के अंदर, वहीं आज देश यहाँ तक पहुँचा है, तो आप ये क्यों मान लेते हो उस वक्त में बहुत तकलीफ आएगी। ये तो जितना गहरे में जाओगे, मैं समझता हूँ दावे के साथ कह सकता हूँ नेता प्रतिपक्ष महोदय, आप भी क्यों आप भावुक भी हो, कई बार भावुक होते होते आप तो उछल जाते हो, अलग बात है, आप भी कन्विंस होंगे कि वास्तव में ये फैसला ठीक किया, ये दावे के साथ कह सकता हूँ, ये मान्य दृष्टिकोण से किया हमने, सोशल सिक्योरिटी से किया हम लोगों ने फैसला। इतना भयंकर वेलकम हो रहा है इसका कोई सोच नहीं सकता, आंखों में आंसू आ रहे लोगों के, उनके परिवारों के, बच्चों के, बुजुर्गों को सोच नहीं सकता, रिश्तेदारों के भी, क्योंकि आपने इंश्योर कर दिया इनको, पता नहीं उसका क्या होगा, और पैसा कहाँ लगा, शेयर मार्केट के अंदर, पता नहीं स्कीम किसने बनाई वाजपेयी जी के वक्त में, क्या सोच के बनाई मेरे समझ के परे हैं, म्यूचुअल फंड आप बताइए, पता नहीं नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, उसके आधार पर उसकी पेंशन तय होगी, उसकी उस वक्त में पेंशन होगी, ये पता नहीं कि जो पुरानी पेंशन है वो भी अभी 2050 से लागू रहेगी, जो 2003 में कर्मचारी बने हैं और 2004 में बने 1 जनवरी को, इतना ही फर्क है। जो आज नई पेंशन वाले लोग हैं और उनके अगर पिछले महीने में नौकरी लग गई उसकी, उसको मिलेगी ओल्ड पेंशन मिलेगी, वो रिटायर कब होगा, 2004 वाला होगा उसके 1 साल पहले होगा, कोई सोच नहीं रहा है। पुरानी पेंशन प्रणाली के बारे में कहा जाता है कि इससे सरकारों में वित्तीय भार पड़ेगा तथा विकास एवं जनकल्याण के कार्य प्रभावित होंगे। यहाँ यह तथ्य समझना जरूरी है कि जब पुरानी पेंशन प्रणाली लागू की गई थी जब पुरानी पेंशन प्रणाली लागू थी तो उस समय भी प्रत्येक क्षेत्र में शानदार प्रगति हुई देश में। पुरानी पेंशन प्रणाली पुनः लागू करने के कारण कोई तरह का विकास व जनकल्याण के कार्य में कटौती कोई प्रस्ताव हमने नहीं करी है।
मेरे द्वारा बजट प्रस्तुत करते समय की गई घोषणा के उपरांत हमारे कुछ साथियों ने 1 अप्रैल 22 से कार्मिकों से की जाने वाली कटौती, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके कटारिया साहब, ये आपके पॉइंट का जवाब दे रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनना कृपा करके। मेरे द्वारा बजट प्रस्तुत करते समय की गई घोषणा के उपरांत हमारे कुछ साथियों ने 1 अप्रैल 22 से कार्मिकों से की जाने वाली कटौती के बारे में संशय होना स्वाभाविक है। इस भ्रांति को समाप्त करने की दृष्टि से अब मैं 1 जनवरी 2004 एवं इसके पश्चात नियुक्त कार्मिकों से की जाने वाली 10% की मासिक कटौती को 1 अप्रैल 22 को दे वेतन, मतलब 1 अप्रैल आने वाली को समाप्त करने की घोषणा करता हूँ। साथ ही कार्मिकों से पूर्ण की जा चुकी कटौती को उनमें से पेंशनर मेडिकल फंड RGHS फंड की राशि समायोजित करते हुए कर शेष राशि उनके रिटायरमेंट के समय GPA पर दे इंटरेस्ट रेट के साथ एक मुर्त बढ़ा जाना प्रस्तावित करता हूँ। April 22 से NPS के अंतर्गत होने वाली कार्मिकों की प्रतिमाह 10% कटौती बंद होने से अप्रैल से बढ़ा हुआ वेतन मिलने लगेगा, मतलब 1 तारीख से ही मिलने लग जाएगा, 1 तारीख से कट। और इसमें पता नहीं आप देखेंगे इसका जो फायदा है वो क्या मिलेगा, कोई कल्पना नहीं कर सकता उनको। 25,000 से लगाए कि 60,000 तक, और मोदी जी ने जिस दिन कर दिया ऑल इंडिया सर्विस के लिए तो उनको अलग मिलेगा, अभी तक उन्होंने किया नहीं है। ये उनको पता नहीं है कि 2004 वाले जो कर्मचारी अधिकारी हैं ऑल इंडिया सर्विस वाले, ये 30 साल बाद में रिटायर होंगे ना, तो कैबिनेट सेक्रेटरी भी होंगे, फाइनेंस सेक्रेटरी भी होंगे, और उस वक्त में वहाँ की उस वक्त भी स्थिति बनेगी जो आज हमने किया है वो काम है, फिर अपने हाथ से करेंगे बैकडेट के अंदर। अच्छा है मोदी जी को टाइम रहते हुए हमारे फैसले को मानते हुए डिक्लेयर करना चाहिए पूरे देश के अंदर। तो अध्यक्ष महोदय, ये वेतन बढ़ोतरी कर्मचारी के वरिष्ठ आधार पर मासिक 2,300 से लेकर 10,000 रुपये से अधिक तक रहेगी, मासिक 2,000 से 10,000 प्रतिमाह। हमारे सभी कार्मिकों को OPS के अंतर्गत लाने के निर्णय के पश्चात मुझे खुशी है कि अब छत्तीसगढ़ ने भी इसे लागू करने की घोषणा कर दी है, तथा कई अन्य राज्य भी इस संबंध में परीक्षण कर रहे हैं। अन्य राज्यों के कार्मिकों के साथ साथ केंद्रीय, सेंट्रल एवं अखिल भारतीय सेवा के कार्मिकों को रिटायरमेंट पश्चात आर्थिक सुरक्षा गारंटी प्राप्त हो सके, इस हेतु मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया है कि वह भी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का कृपा करें।